से ये समझ में आता है कि स्वतंत्र रूप से कोई भी जीव इस जगत के अंदर नहीं रह सकता। स्वतंत्र होकर के कोई भी जीव नहीं रह सकता, ये हमें इससे समझ में आ जाता है। मान लो कोई व्यक्ति भगवान का आश्रित नहीं है, कोई बात नहीं, किसी देव का आश्रित होगा, किसी देवता का आश्रित होगा, नहीं तो किसी पीर फकीर का आश्रित होगा, नहीं कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है, तो अपने साथ रहने वालों के ऊपर आश्रित होगा, नहीं किसी पे भी भरोसा नहीं, तो अपने आप पे तो आश्रित होगा, अपने बुद्धि पे। आ जाओ हमारे करीब, आ जाओ इतना करीब आ जाओ कि कभी बिछड़ना ना पड़े, इतना ज्यादा भी। तो इसलिए ये विचार करने वाला एक बात है, जहां पे हमें समझ में आता है व्यक्ति किसी का भी आश्रित नहीं है, अपने बल का, अपने अभिमान का, अपने मन का आश्रित जरूर होकर के रहता है। कारण क्या है? स्वभाव से हम लोग आश्रित हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम वास्तविकता में स्वतंत्र कोई भी नहीं है। हम लोग सारे जितने भी हैं परतंत्र है, हम लोग सब आधीन है, आश्रित है, हम स्वीकार करें या ना करें। थोड़ा सा सांस लेने में कष्ट हो, जितना भी पूरा साल डॉक्टर को गालियां निकालता है ये बोल के कि डॉक्टर जो होगा वहां तो प्राण ले लेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सांस अटक जाता है उसी के पास भागेगा, हाथ जोड़ेगा, पांव पकड़ेगा। हर क्षेत्र में ऐसा ही है, चाहे हम जिसका भी जितना भी निंदा क्यों ना करें, लेकिन घुमा फिरा के जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं, हम लोग निर्भर होके ही रहना पड़ता है। कारण क्या? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं माता पिता, है ना? बचपन में बच्चा माता पिता पे निर्भर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है एक समय में उनको भी जोश में रहता है कि नहीं हम अपना कर लेंगे, एक समय में बच्चे को भी रहता है, लेकिन जैसे ही ये फिर इधर आता है फिर हिसाब बदल जाता है। शुरू में और आखिरी में आश्रित होके ही रहना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, हमारा स्वभाव के अंदर स्वतंत्रता नहीं है। जिस वस्तु हम लोगों के अंदर नहीं है, जो वस्तु, उस वस्तु के प्रति जब हम लोग आसक्त होने का प्रयास करते हैं, तो उसके परिणाम हम लोगों को कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। जो चीज आपका है नहीं, जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं, जो चीज आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उसके पीछे जब भागना हुआ तो निश्चित रूप से उसका परिणाम में अनर्थ ही आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं इस संसार के अंदर अधिकांश व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कलेशों से घिरा हुआ ही रहता है। जैसे
जबकि ऐसा नहीं है कि केवल कलेश ही है यहाँ पर, लेकिन अधिकांश व्यक्ति इस संसार के अंदर कलेश ही देख पाता है। आनंद में है, बीच में कलेश है, कलेशों के बीच में बीच बीच में आनंद का अनुभूति होने लगता है। जैसे समुद्र के अंदर डूबता हुआ व्यक्ति और बीच में एक बार किसी लहर से या किसी प्रकार से निकल के ऊपर आता है, उसका मुख जब पानी से ऊपर आता है, उस समय उसको जो आनंद का अनुभूति होता है, उस अनुभूति को वो शब्दों में बयान नहीं कर पाता। इतना आनंद इस संसार के अंदर हमें जो आनंद का अनुभूति आता है समय समय पर, वो उसी प्रकार का आनंद है। इसलिए सुख की तरह लगता नहीं है। तो अगर हम अपने जीवन के अंदर 30 साल 40 साल 50 साल जो हमने व्यतीत किया, उसके बीच में अगर हम लोग अपने आप को मंथन करें और उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करें, इस निष्कर्ष के साथ, इस सार के साथ, जीवन के अंदर कौन सी ऐसे कितने ऐसे दिन हैं जो कि यादगार है, जो कभी हम भूल ही नहीं पाए, कोई महत्वपूर्ण घटना जीवन में घटता है तो वो यादगार रह जाता है, है ना? कुछ यादगार रहने के लिए कोई खास घटना होनी चाहिए, नहीं है तो याद नहीं रहता। ऐसी घटना जिसमें बड़ा ही आनंद आया हो या बहुत बड़ा झटका वगैरह लगा हो तो भी, लेकिन विशेष रूप से इतने लंबी जीवन के अंदर हम लोग अगर गिनने का प्रयास करते हैं तो बहुत कम ऐसी घटनाएं हमारे सामने आते हैं जिसके अंदर हम लोग वास्तविकता में ये कह सकते हैं कि मैं आनंद में था, सुख से था। बाकी का समय केवल मात्र संघर्ष के अंदर ही चला गया है। किस चीज का संघर्ष? उस आनंद को प्राप्त करने का संघर्ष, जबकि मिल नहीं रहा है। प्रयास जारी है, चेष्टा जारी है। कारण क्या है? जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप से विकृत जब हम कार्य करते हैं, कभी भी हम लोग किसी भी चीज को उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप स्वामी होना नहीं है, हमारा स्वरूप है दास होना। हमारा स्वरूप है एक स्वरूप मतलब नेचर। जिस प्रकार से एक लोहे का जो स्वरूप है वो स्वाभाविक रूप से चुंबक के प्रति आकर्षित होना ही उसका स्वरूप है। अगर लोहा है, चुंबक सामने है, तो वो आकर्षित हो गई होगा, है? ऐसी कई चीजें। पानी का स्वरूप क्या है? तरल होना। जल का स्वरूप तरलता है। ये सब चीजों के स्वरूप है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग स्वरूप है। इसलिए यहां पर बतलाते हैं जीव जो है, मतलब हम जो है, हमारा एक स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है? भगवान का दासत्व ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। दासत्व मतलब भगवान के चरणों में समर्पित होना, उनके इच्छा के अनुरूप अपने आप को चलाना, ये वास्तविकता में हमारा स्वरूप है। हम क्या करते हैं? इसके विपरीत विकृति कार्य हम लोग करते हैं, जिसके चलते हम लोग उनसे दूर हो गए हैं जिनका हमें शरण में रहना चाहिए था। इस कारण से कभी भी हम लोगों के जीवन में वो उस चीज का अनुभूति नहीं होता है जो वास्तविकता में होना चाहिए। दास तो हम हैं। अगर हम विचार करते हैं
हम लोग देश के दास हैं, समाज के दास हैं, परिवार के दास हैं, कभी बच्चों के दास हैं, कभी पत्नी के दास हैं, कभी अपने आप का दास है, खुद के भी दास हैं। कैसे? हमारा मन ये करने का इच्छा करता है और हम उसको शासन नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते, उसके अधीन होके हमें वो काम करना ही पड़ता है, है ना। मन कई चीजें चाहता है कि ये काम मैं करूं, और हम लोग अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते, हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, हमें वो काम करना ही पड़ता है। क्रोध आ जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते, उसके दास बन जाते, वो निकल के आ ही जाते। वासना उसको नहीं रोक पाते, हम उसके दास बन जाते। लोग रोक नहीं पाते, दास बन जाते। ये चीजें बाहर तो नहीं है, हमारे अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सा, इन चीजों को हम लोग रोक नहीं पाते, उनके दास बन जाते। लेकिन शास्त्र क्या बतलाते हैं, इतने सारी चीजों का दास ना बनकर तुम अपने स्वरूप में खड़े होकर जिसका दास बनने से तुम्हारा काम बन जाएगा, उसका दास तुम बन जाओ। हमारे पूर्व आचार्य अपनी एक सुंदर कृति में कहते हैं, कृष्ण दास्य भूली माया रे भजीनु, अपना स्वरूप कभू ना छिंटी। मैं क्या भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं, इस बात को भूल गया। और भजन किसका करने लगा? माया का भजन करने लगा। माया एक संस्कृत शब्द है, इसका जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है जो नहीं है और है की तरह लगता है वही माया, जो नहीं है लेकिन लगता है वही माया है। जब हम वास्तविकता से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं जिसके पीछे हम जा रहे होते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र तो है नहीं, हम अधीन तत्व उनके शरण में नहीं है, उनके शरण में नहीं है तो हमें किसी और के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। जिसके शरण में हम जा रहे हैं वही माया है, इसलिए यहाँ पर बताते हैं कृष्ण दास से भूली, भूल गया मैं कि मैं भगवान का दास हूं। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, हम सबके बारे में बोलते हैं कि जितने भी जीव है ना अर्जुन, तुम जानते हो कौन है? ममई वंश जीव लोके, ये जितने भी जीव है, शरीर नहीं, जीव, मतलब रणभूमि में अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी तुम देख रहे हो, ये बड़े बड़े योद्धा, रथी, अतिरथी, महारथी, सैनिक, हाथी, घोड़े, जितने भी यहाँ हैं, देखने में अलग अलग उसमें दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी प्राण इन सबके अंदर है, जीव जितने भी है यहाँ पर, जो कि विभिन्न देह को धारण करके खड़ा है, वो सब कौन है मालूम है? ममैव अंश, मेरा ही अंश है हे अर्जुन, ये सब मेरा अंश है। और तुम ये मत समझना कि ये सब मरने वाले, जीव भूता सनातना, ये सब सनातन है, कभी मरने वाले नहीं है, मेरा अंश, मेरा सत्ता। और मैं कौन हूं? इन सबका पिता, तुम सबका पिता, आम बीज प्रद पिता, मैं स्वयं पिता हूं सबका, भगवान स्वयं कह रहे हैं। हम लोग इसीलिए उनके दास हैं। एक पुत्र अच्छा तभी होता है जब वो पिता का सही तरीका से दासत्व करता है। जो दास होता है उसका अधिकार होता है, जो दास नहीं होता है वो सिर्फ अधिकार लेने का प्रयास करता है तो उसका अधिकार नहीं होता है। अर्जुन अपने आप को द्रोणाचार्य के दास ही समझा, इसीलिए द्रोणाचार्य के ऊपर अर्जुन का अधिकार
अश्वत्थामा से ज्यादा हुआ। जो विद्या अश्वत्थामा के पास नहीं है वो भी अर्जुन के पास में है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सब कुछ उसी को दिया। जो दासत्व का स्वीकार करेगा वो अपने आप ही हर प्रकार के अधिकार का योग्य पात्र भी बनेगा। हम लोग भगवान के दास हैं, इसलिए बोलते हैं, लेकिन हमने किया क्या है? उनका दासत्व को छोड़ दिया कि नहीं, मैंने आपका दास नहीं बनना है। बाकी जब आपने गोविंद का दास नहीं बनना है तो फिर संसार का दास बनना ही होगा। पर हम बने हैं, जो जो कहता है अनादि काल से उस चीज को मानते हुए अपने जीवन को उस दिशा में लेकर के ही जा रहे हैं। कुछ भी सुनते हैं, अच्छा ठीक है, कभी कोई प्रश्न नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं कि इससे हमारा क्या मतलब होता है। बचपन से लेके उसी को करते हुए हम लोग चल रहे हैं संसार में। एक तरह से ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन के ड्राइवर का तो दास बन के ही बैठे कि जहां ले जाओ भैया चल रहे, है ना। ये चिंतन नहीं है, ये विचार भी नहीं है कि ये नया ड्राइवर है पुराना है। रात के समय ट्रेन चलाते हुए कहीं इसको नींद आ गया, सिग्नल ब्रेक कर दी, पटरी उतर गया, वही चिंतन है। दास है ना। दासत्व मतलब क्या है? स्वामी जो इच्छा करेगा सो करेगा, मैं उसके आश्रय में हूं। दास शब्द का अर्थ यही है कि जहां पर कोई सेकंड थॉट नहीं है, जहां पर कोई प्रश्न नहीं है, जहां प्रश्न है वहां पर दासत्व नहीं है। दास शब्द का अर्थ यहां वहां आता है जहां पर पूर्ण रूप से समर्पण। हम लोग हर जगह पर हर क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करके चलते हैं। उसका कारण ये है, हमारा समर्पण गोविंद के चरणों में पूर्ण रूप से ना हो। जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है उसका वास्तविकता में जीवन धारण करना सार्थक माना गया है। और अगर कृष्ण विमुख होते हैं तो माया के उन्मुख होंगे, कृष्ण से दूर हो गए, गोविंद से दूर हो गए, तो हम लोग संसार की तरफ और अधिक चलते हुए चलेंगे। उससे क्या हुआ? अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसको मैं भूल गया। वास्तविक स्वरूप भूलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हम इस चीज से वंचित हो जाते हैं, जहां हमें ये समझ में आता है कि मेरा वास्तविक आवश्यकता क्या है। प्रयास बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन उद्देश्य से व्यक्ति विमुख हो जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक जगह पर लिखा, गार्धवेर मत अमी कोरी परिश्रम कारुलागी एतो कोरी नागुचीलो ब्रह्म। महापुरुष क्या कहते हैं कि मैं परिश्रम इतना ज्यादा कर रहा हूँ, वर्तमान समय के अंदर इतना ज्यादा कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को देख करके ऐसा लगता है कि मैं एक गधा से कम नहीं हूँ। महापुरुष कह रहे हैं, वो अपने आप को देख बीच में रख के जगत को शिक्षा दे रहे हैं। सुबह